हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ब्लैक बियर विला पे। आज हम एक ओल्ड साड़ी का रीयूज करेंगे। ये मेरे पास हाफ साड़ी थी, इसका हाफ पार्ट नेट में था और हाफ पार्ट इसका जॉर्जेट फैब्रिक में था, तो मैंने सबको अलग कर दिया है। खोल के बॉर्डर को भी मैंने अलग निकाल दिया है। तो इसके साथ में नेट के फैब्रिक में यूज़ करने के लिए इनर का फैब्रिक मैंने क्रेप में लिया है 3 मीटर, और ये जो बॉर्डर है इसमें जो ग्रीन कलर की पाइपिंग लगी हुई है इसको हम निकाल देंगे। इसकी जगह एक पिंक कलर की लेस को हम अटैच करेंगे, इससे थोड़ा इसमें जो साड़ी का लुक नहीं आएगा, कुछ नया लुक आ जाएगा लहंगे में। तो चलिए अब हम लहंगे की कटिंग करते हैं शुरू। सबसे पहले हम लहंगे की लेंथ लेंगे, तो यहाँ पे जो मेरी टोटल लेंथ है वो 43 आ रही है, तो जितनी हमारी लेंथ है इसको मैं ऐसे ही रख लूँगी। तो इनर पार्ट के लिए भी सेम, हमें जितनी लेंथ चाहिए हम वो ले लेंगे। इनर पार्ट की जो लेंथ है वो हम मेन जो लहंगे की लेंथ है उससे 2 इंच हम कम लेते हैं। 2 इंच माइनस करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट कर देंगे। लहंगा हम प्लेटेड बनाएंगे, तो इसमें इस तरह से कुछ हम प्लेट्स डालेंगे। तो सेम जैसे फैब्रिक में हमने डाली है ऐसे ही इनर का जो हमने क्रेप का फैब्रिक लिया है उसमें भी सेम तरीके से हम प्लेट्स डालेंगे। मैंने लहंगे में प्लेट्स डाल ली हैं और इनर फैब्रिक में भी हमने प्लेट्स यहाँ पे डाल ली हैं। अब दोनों का जो मतलब मेजरमेंट है सेम ही आया है 36 इंचेस, और इनर के पार्ट को हम इसके लहंगे के पार्ट से अटैच कर देंगे। दोनों को इनर को नीचे रखते हुए, नेट के नीचे रखते हुए इसको स्ट्रेट सिलाई लगा दें। यहाँ पे हम साड़ी का जो बॉर्डर उतारा था उसको लहंगे के लिए हम तैयार कर लेंगे। इसमें हम मजेंटा कलर की लेस ऐड कर रहे हैं, इससे इसका लुक अच्छा आएगा, खिल जाएगा ये कलर, मजेंटा कलर इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोनों की तरफ बॉर्डर की हम पिंक कलर की लेस अटैच करेंगे, तो बॉर्डर को हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे बॉर्डर को हमने तैयार कर लिया है, अब हम इसे लहंगे में अटैच करेंगे। इसको नीचे के पार्ट में उल्टा करके फैब्रिक को सीधा रखेंगे हम, और जो लेस बॉर्डर है उसको हम उल्टा रखते हुए इसके नीचे स्ट्रेट सिलाई कर देंगे, और सिलाई लगाने के बाद इसको ऊपर की तरफ पलट के सीधा करके अटैच कर देंगे। बॉर्डर को हमने अटैच कर लिया है। यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का कैन कैन की एक पट्टी ली है कट करके, तो इसको नीचे इनर का जो फैब्रिक है उसके साथ में अटैच करेंगे, इससे थोड़ा लहंगे का वॉल्यूम आएगा। तो कैन कैन में इसके नीचे नहीं ऐड कर रही हूँ, जस्ट एक दो 2.5 इंच की एक पट्टी कट करके वो इसके नीचे अटैच कर रही हूँ। Step for Z to the sky.
यहाँ पे मैं जिप लगा रही हूँ 7 इंचेस छोड़ के। 7 इंच हम लंबी जिप लगाएंगे और जितनी हमने जिप लगानी है उतनी जगह छोड़ते हुए हम लहंगे को चारों के चारों फैब्रिक लेके दोनों पार्ट नेट और दोनों इनर जो हमारा है इसको इकट्ठा करके एक साइड से इसे बंद कर देंगे, सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ हमें बेल्ट लेनी है। बेल्ट के लिए हमें राउंड शेप में जो है इसका गोलाई देख लेनी है कि कितनी है। मेरी जैसे कि कमर 36 है तो 36 के लेके हम 2 या 3 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो उतनी ही हम टाइट्रॉन की पट्टी काट के उसको कपड़े चिपका के प्रेस करके चिपका लेंगे और इसके साथ अटैच कर देंगे। और ये लहंगा बन के तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने एक लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम ये हैंडमेड लटकन हैं तो इसकी मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी चैनल पे, आप वहाँ से देख लेना। इसमें मैंने हुक लगा दी है। ये रहा इसका फाइनल लुक। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।